सुप्रभात, क्लास ट्वेल्थ है, लेसन नंबर 10। आज हम लोग फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई गजल का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत शेर जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत गजलकार फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित गजल से अवतरित है। प्रस्तुत गजल में कवि ने अपने दिल की भावनाओं को गजल के माध्यम से अभिव्यक्त करने की व्यवस्था को प्रकट किया है। गजलकार जो अनुभव करता है, समाज में देखता है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए बेचैन हो उठता है। अब देखिए, नौ रस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। तारे आँखें झप कामे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि मेरा मन जो है नवरस संपन्न कलियों की तरह अपनी पंखुड़ियों को खोलकर कोमल गांठों से युक्त होना चाहता है। नवरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, यानी कि कवि कहता है कि मेरा मन नवरस संपन्न कलियों की तरह अपनी पंखुड़ियों को खोलकर और कोमल गांठों से मुक्त होना चाहता है, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। कली की तरह खिलना चाहती है, या अपनी सुगंध स्वयं सुंदर रंग को पूरे बागीचे में फैलाने के लिए अपनी पंखुड़ियों रूपी पंखों को खोल देना चाहती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कली जो है फूल की तरह खिलना चाहती है। जो कली है वो प्रतीक्षा में रहती है कि कब हम फूल की तरह खिलें और पंखुड़ियों को खोल कर खिलें और पूरे बागीचे में अपने सुगंध को फैलाएं, पंखुड़ियों रूपी पंखों को खोल करके अपने सुगंध को फैलाना चाहती हैं। तारे झपकावे हैं, तारे जो हैं आंखें झपकावे हैं। जैसे कली जो है अपना पूर्ण रूप प्राप्त करने के लिए बेचैन रहती है। कली जो है, जब फूल जो है कली के रूप में रहता है, तब वह विकसित होने के लिए बेचैन रहता है, अपना पूर्ण रूप प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है। वैसे ही मेरा मन भी, कवि कहते हैं कि, कवि मतलब फिराक गोरखपुरी जी जो गजलकार हैं, वो कहते हैं कि मेरा मन भी अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए सदा व्याकुल रहता है। उनका मन जो है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए सदैव ही बेचैन रहता है। तारे आँखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। रात्रि के समय तारों ने आँखों को झपकाकर मंद मंद रोशनी चारों ओर फैला रखी है। आकाश में जो छोटे छोटे तारे होते हैं वो हमें क्या करते हैं, मध्यम मध्यम रोशनी प्रदान करते हैं। तुम भी सुनो हो यारों, सौ में सन्नाटे कुछ बोले हैं। और रात्रि काल में कड़ कड़ सोया हुआ है, रात्रि काल में जो है कड़कड़ जो है वो सोया हुआ है, सब लोग सोए हुए हैं। और ऐसे ही समय में कवि कहता है, हे मित्रों, हे पाठकों, आप भी इस गजल के द्वारा
मेरे मन के भाव रूपे रूपी सन्नाटों को सुनो। मेरा मन अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए दिन रात जो है बेचैन रहता है। कौन कहता है? तो फिराक गोरखपुरी जी जो गज़लकार हैं वही कह रहे हैं कि मेरा मन भी अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए बेचैन रहता है दिन रात। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। अब देखिए, प्रस्तुत जो शेर है उसमें गजल में कवि ने समाज के लोगों का वर्णन किया है कि लोग किसी को जीने नहीं देते, हमेशा लोगों को बदनाम करने में लगे रहते हैं। समाज में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि दूसरे के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों के बारे में कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी किस्मत को दोष देता हूँ कि चाहे हम हों या हमारी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला है। कहते हैं कि चाहे मैं हूँ और चाहे मेरी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला है। भाग्य हमें कोसता है और हम किस्मत को कोसते हैं। अर्थात मनुष्य को जब कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती तो मनुष्य अपना दोष न बता करके किस्मत को उसका दोषी ठहराता है कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। और मनुष्य को कर्मरत रहना चाहिए, न कि किस्मत को दोष देना चाहिए। फिराक गोरखपुरी जी का कहना है कि हमें अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। बाकी गजल में जो बचा हुआ अंश है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।